18 साल के एक श्वेत बंदूकधारी ने अंधाधुन न्यूयॉर्क में गोलीबारी की। गोली लगने से 10 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। घटना न्यूयॉर्क के श्वेतों की बस्ती बफलो के एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर की गई। अंधाधुन गोली चलाने के बाद बंदूकधारी ने सरेंडर कर दिया है। इस घटना को नस्लीय हेट क्राइम से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध बंदूकधारी युवक कई घंटे के सफर के बाद हमला करने के लिए न्यूयॉर्क के बफलो पहुंचा था। शूटिंग की इस वारदात की उसने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की। मारे गए 13 लोगों में 11 अश्वेत हैं। न्यूयॉर्क शहर से गोलीबारी की यह घटना सामने आई है।